होटल है, हम जहाँ पे रुके हुए हैं प्लांजे के बिल्कुल पास है, और बहुत ही खूबसूरत होटल है अंदर से। जब भी आप जर्मनी में आएँ तो यहाँ ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाएं, बहुत प्यारा है। ये ओरिजिनल ही है, ये पिक्चर है एक्चुअली। ब्रुक जो है अभी हमने पैदल चल के इसके ऊपर जाना है, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ब्रिज है, इसके ऊपर जाना है। इसके लिए ऊपर जाने के लिए हमें एटलीस्ट 30 मिनट में वॉक करनी पड़ेगी। लेट्स सी आगे चल के देखते हैं। Yes. Highline Bridge, Germany. अब हम जा रहे हैं पैदल वॉक करके उस ब्रिज के ऊपर। उसके लिए एटलीस्ट 20 मिनट जो हैं वो लगेंगे। पहले रास्ते में आपको मैं रास्ता दिखाता चाहूँगा। यहाँ पे लिफ्ट है, अगर आपने किसी ने लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना है तो यहाँ लिफ्ट भी है। हाईलाइन 179 यहाँ पे फुल बर्फ है, इसको लिखा हुआ कि आप चल सकते। नीचे का सीन यहाँ के, ये लिफ्ट आ रही है। अगर हम लिफ्ट के जरिए ऊपर जाएं तो नीचे आना होगा। हम मगर पैदल ही वो सारा रास्ता तय करेंगे। ये लिफ्ट नोकमाल जो है वो ऊपर जा रही है लिफ्ट अगेन, मगर हम जो हैं हम पैदल ही जाएंगे। नीचे से बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीन। ठंड काफ़ी है, इसलिए मेरी आवाज़ शायद आपको फील हो रहा होगा, मेरी आवाज़ से ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा। ये हम करीब पहुँचने वाले हैं। ब्यूटीफुल ऊपर यहाँ पे इन्होंने जो लिफ्ट जाती है वो ये वहाँ पे वो ऊपर की लिफ्ट जाती है। ये हम ऊपर पहुंच गए हैं। नहीं, अभी कर रहे हैं। तो बहुत
Oh wow, beautiful. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये ब्रो के ऊपर आ गए हैं. ओह वाओ, ये वहाँ पे छोटे खड़े होके देखने में ज्यादा लग रहा था. क्या कह रहे? घर तो छोटे छोटे बहुत प्यारे लग रहे हैं. गाल आज के बाद हम अपलोड करते हैं. Awesome. यहाँ से हम नीचे से आए. और रात के 8 बज गए और यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं. काफ़ी लाइटिंग की हुई है. ये रात को हम यहाँ पे गए हुए थे. ये पुल है. ये रात का व्यू है. वो जो डॉट्स डॉट्स हैं वो तो नजर ही नहीं आ रहा. ये बहुत प्यारा लगा. ये रात का मंजर. अब हम वापस जा रहे हैं गार्मिश-पार्टेनकिर्चन की तरफ. काफी टाइम हो गया. लेट्स गो बैक.